एक तरफ जहां भीषण गर्मी में लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिससे बाजारों में सन्नाटा पसरा है, वहीं ऑनलाइन शॉपिंग ने व्यापारियों को नुकसान में डाल दिया है। व्यापारियों की दुकानदारी में काफी मंदी दिखाई दे रही है। वहीं रही सही कसर मऊरानीपुर में लगने वाली प्रदर्शनी पूरा कर रही है। ऐसे में आज व्यापारियों सहित नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास सहित नगर के व्यापारियों ने अपना आक्रोश जताया। उन्होंने प्रदर्शनी की अनुमति रद्द करने की मांग उप जिलाधिकारी से की। इस दौरान व्यापार मंडल के अखिलेश सेठ और दीपू मोती ने आक्रोश जताते हुए कहा कि भीषण गर्मी की वजह से जहां बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है और व्यापारियों की दुकानदारी सुबह शाम की बची है, ऐसे में नगर के मेला ग्राउंड में लगने वाली बाहरी प्रदर्शनी से दुकानदारों का व्यापार प्रभावित होता है, जबकि व्यापारी जीएसटी से लेकर सरकार को हर टैक्स अदा करता है और व्यापारियों की दुकानदारी सुबह शाम की बची है, ऐसे में नगर के मेला ग्राउंड में लगने वाली बाहरी प्रदर्शनी से दुकानदारों का व्यापार प्रभावित होता है, जबकि व्यापारी जीएसटी से लेकर सरकार को हर टैक्स अदा करता है। व्यापारियों को ऐसे में अपने परिवार का गुजर बसर करना मुश्किल हो रहा है, जिसके चलते व्यापारियों ने नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास के साथ उप जिलाधिकारी से प्रदर्शनी की अनुमति रद्द किए जाने की मांग की है। व्यापारियों को इस समय सबसे ज्यादा महामंदी से गुजर रहा है और इसी समय प्रशासन के द्वारा इनका कहना है जो यहाँ प्रदर्शनी लगा रहे हैं मेला ग्राउंड में, व्यापारी इसका पुरजोर पूरी ताकत से विरोध कर रहा है। यदि यह लगाई गई तो इसको किसी भी हद तक व्यापारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। जैसा कि हमारे नगर पालिका अध्यक्ष आयुष श्रीवास प्रतिनिधि और हमारे जिलाध्यक्ष अखिलेश सेठ ने आप लोगों को बताया कि व्यापारी बहुत परेशान है। एक्चुअली में प्रदर्शनी का विरोध क्यों है व्यापारियों द्वारा? कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। हमारे दुकानदार को हर चीज़ मेंटेन करना पड़ती है, क्वालिटी क्वांटिटी रेट, लेकिन प्रदर्शनी वाले एक बार चमक दिखा के कम दामों में माल बेच जाते हैं और उपभोक्ताओं को उसमें उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है और हमारे दुकानदार भाइयों को करना पड़ता है। अतः हम इस प्रदर्शनी का पुरजोर विरोध करते हैं। ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है जिसमें कपड़े वपड़े तमाम तरीके के जो व्यापार बाहर से लोग आके अपना व्यापार करते हैं, उसके विरोध में हमारे नगर का पूरा व्यापारी है, क्योंकि वैसे ही किसान और स्थिति बड़ी ख़राब है व्यापारी की। और ये बाहर के प्रदर्शनी से हमारा मार्केट अफेक्ट होता है, हमारे जो लोकल के व्यापारी हैं उनकी सेल में बड़ी समस्या आती है, उनको दिक्कतें होती हैं। तो सब व्यापारियों ने हमसे कहा कि ये प्रदर्शनी नहीं लगनी चाहिए, जिसमें हमारे साथ व्यापारी मंडल के अध्यक्ष अखिलेश सेठ जी, दीपू मोदी जी भी यहाँ मौजूद हैं। जो हमारी मऊरानीपुर मेला ग्राउंड में जो प्रदर्शनी लगाई जा रही है, इसका हमने पिछली बार भी विरोध किया था। माननीय जिला उपजिलाधिकारी गोपेश तिवारी जी को भी मैंने आवेदन दिया था, इसके बावजूद भी यहाँ प्रदर्शनी लगी थी। हमारी लखनऊ LIO से भी बात हुई थी इस मुद्दे में कि भाई प्रदर्शनी से हमारे शहर में उसका बहुत गाना विरोध होता है और इससे हमारे व्यापारी जो हमारे लोकल का है वो वैसे ही तो इतनी भीषण महामारी में मतलब मतदा में वो परेशान है और इस प्रदर्शनी से और उनके व्यापार में प्रभाव पड़ता है। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।